हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, एक्चुअल में वो हमारा पहले से बना हुआ वीडियो का रिवीजन है, रिपीट पार्ट है। धारा विद्युत का जो हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसमें साउंड में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल इशू था। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स किया कि सर आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आज मैं उस वीडियो को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत लोग उसको देख भी चुके हैं। जो भी दिक्कत होगा आप दोबारा अच्छे से पढ़िए। वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि धारा विद्युत का फर्स्ट पार्ट का जो चैप्टर है वो पूरा धारा विद्युत का बेसिक फंडामेंटल है, उसके बिना चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम धारा विद्युत का स्टार्टिंग बेसिक फंडामेंटल। धारा विद्युत, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं धारा का। धारा इंग्लिश में बोलते हैं करेंट। तो धारा है क्या चीज़? देखिए, धारा का मतलब क्या होता है? धारा कहने से ही सामान्य रूप से हमारे दिमाग में एक बात आती है, बहने वाली चीज़, क्योंकि धारा का मतलब बहना ही होता है। तो यहाँ पर भी जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करेंट है, उसका भी मतलब क्या है? बहने से ही है। लेकिन यहाँ पर किसके बहने से है, किस प्रकार से बहने से है, ये देखिए। धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, और I इक्वल टू होता है Q/T। I इक्वल टू Q/T, जहाँ पर Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। Q आवेश है और T है समय। तो आवेश और समय का अनुपात है, और हमको मालूम है कि जब किसी भी भौतिक राशि में हम समय का भाग करते हैं तो उसे दर कहा जाता है। दर मतलब समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम सीधा परिभाषा कर सकते हैं विद्युत धारा का, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बहुत सीधा सा डेफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यदि हम इसको कैलकुलस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैलकुलस के फॉर्म में इसको I इक्वल टू DQ/dt भी लिख सकते हैं। कहीं पर हमको कैलकुलस के फॉर्म में यदि धारा निकालना हो तो हम आवेश को समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसका मात्रक, कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है और इन्हीं के नाम पर इसके मात्रक को रखा गया। तो यहाँ पर हम देखें एम्पियर की परिभाषा क्या है। यहाँ पर हम परिभाषित करें, एक एम्पियर, वन एम्पियर, यदि हमको वन एम्पियर को डिफाइन करना है एक एम्पियर को, तो सूत्र की सहायता से हम उसको परिभाषित करेंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर यदि हम आवेश क्यू को एक कूलाम मान लें और समय टी को एक सेकंड मान लें, यदि हम इस तरह से मान लें तो दोनों को इकाई मानने पर 1/1 आई भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देयर फोर आई इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर लिख सकते हैं। और इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। देखिए किसी भी भौतिक राशि का परिभाषा करना है तो पूरा सूत्र पर ही डिपेंड होना चाहिए, परिभाषा कभी रटना नहीं चाहिए। परिभाषा से ही, सूत्र से ही हम परिभाषा को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया सूत्र याद था, I इक्वल टू Q/t, तो हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब एक एम्पियर की परिभाषा करना है तो आवेश और समय दोनों को हमने इकाई ले लिया, तो करंट भी 1 एम्पियर हो गया। तो कितना आसानी से इसका हम डेफिनेशन कर सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, माने हमारे पास कोई परिपथ है, कोई चालक है, उसमें हम 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करना चाहते हैं और 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित हम 1 सेकंड तक कर रहे हैं, तो उसमें जितनी धारा बहेगी उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। क्लियर? तो यह धारा की परिभाषा। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो पूरा चैप्टर या कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
शॉर्ट फॉर्म में हम उसको EMF कह देते हैं। यदि हमको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहना होता है तो उसको हम कह देते हैं EMF। EMF कहूँ मैं कभी भी, तो आप समझ जाना कि विद्युत वाहक बल के बारे में बात हो रही है। अब विद्युत वाहक बल है क्या? देखो, सामान्य रूप से यदि हम सोचें तो किसी भी स्थिर पिंड को यदि हमको गति अवस्था में लाना है, सपोज कोई भी हमारे पास स्थिर पिंड है, हम यदि मैकेनिकल फिजिक्स में बात करें, देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है समझने में, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनो। मैकेनिक्स की जो चीज़ है, जैसे हम आपको चाल, गति, विस्थापन, दूरी पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी समझ में आता है, क्योंकि गति कार का उदाहरण दे दिया, ट्रेन का उदाहरण दे दिया, तो आप तुरंत समझ जाते हैं, आपने उसको देखा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जो दिखता नहीं, किसी तार में करंट फ्लो होते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, जानने के लिए हमको कुछ डिवाइस, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी नहीं बता सकेगा कि तार में धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? हमको धारा दिखाई नहीं देता। इसलिए करंट का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, जो करंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो कम्प्लीटली इमेजिनेशन पर बेस्ड है, कल्पना पर आधारित है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा कल्पना कर सकता है चीज़ों का, कि धारा ऐसे बह रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, इस दिशा में जा रहे होंगे, उतना जल्दी वो टॉपिक को समझ सकता है। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट्स को ये कहना है कि आप अपने इमेजिनेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, कि चीज़ों की आप कल्पना कर सकिए। ऐसे भी फिजिक्स इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो जैसे हम किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में, नहर में बहता हुआ पानी, नदी में बहता हुआ पानी आप आसानी से देख लेते हैं और आपको एहसास हो जाता है कि पानी यहाँ पर बह रहा है, लेकिन आप तार में बहते हुए धारा को नहीं देख पाते। वास्तव में यदि दोनों का कंपेयर किया जाए तो यदि कोई बल ना हो तो हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला ही नहीं सकते। स्थिर पिंड, नहर का बांध का पानी नहर में क्यों फ्लो हो रहा है? क्यों? क्योंकि बांध क्या है, ऊंचे जगह पर है और नहर नीचे है, तो पानी क्या है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बह रहा है। ये हम विभव विभवांतर का कांसेप्ट पीछे पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये सवाल ये उठता है कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक मतलब नाम से स्पष्ट देखो, विद्युत वाहक बल माने विद्युत को ले जाने वाला कोई तो बल होगा जो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता होगा। तो विद्युत वाहक बल के यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब सीधा सा है कि विद्युत को प्रवाहित करने वाला, विद्युत को ले जाने वाला कोई बल है। अब यदि हम मैथमेटिकली उस पर डिस्कस करें तो किस तरह से करते हैं, देखिए इसके फार्मूला पर अपन जाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों का कंपेयर करना बहुत आवश्यक है, वो है विद्युत वाहक बल और विभवांतर, क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेप्ट है 99% एक जैसा है और दोनों में बहुत शार्प डिफरेंस है। और पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर इन दोनों पर ही चलता है। तो पहले हम देखो विद्युत विभवांतर पर बात कर चुके हैं। विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और E इक्वल टू होता है W/Q। और मैं साथ ही साथ पुनः आपको रिवाइज करा रहा हूं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो है विभवांतर, विभवांतर, और दोनों को कंपेरेटिवली आपको बता रहा हूं। विभवांतर को भी हम V से प्रदर्शित करते हैं और V इक्वल टू भी होता है W/Q। देखो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि जब इस भौतिक राशि का सूत्र भी W/Q है, जहां पर W कार्य और Q क्या है, आवेश है, ठीक है, ये आपको पता है, लिख भी दूं यहां पर मैं, W क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, यहां पर आवेश है, तो W/Q विभव भी होता है और W/Q विद्युत वाहक बल भी होता है, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों 100% एक जैसे चीज होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, उन डिफरेंस पर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा करें, विद्युत वाहक बल। अब देखो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम आवेश को यदि इकाई मान लें, यदि हम आवेश को इकाई मान लें तो उस कंडीशन में, इसको एक मान लिए तो उस कंडीशन में E इक्वल टू क्या हो जाता है, W। इसका मतलब यह है कि एकांक आवेश को, जैसे हम विभवांतर पर एक बार आपको रिविजन कराएं कि यहाँ पर भी अपन जानते हैं कि यदि आवेश इकाई हो तो उस कंडीशन में भी W के बराबर होता है। और यहाँ पर हम इसकी परिभाषा कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इसकी परिभाषा करते हैं, पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह विभवांतर है। तो यहाँ पर भी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य है,
लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है जो बहुत ध्यान से आप सुनना, वो ये है कि यहाँ पर हमको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ता है विभवांतर में, और विद्युत वाहक बल में क्या करता है किसी बंद परिपथ में उसको प्रवाहित करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो सबसे पावरफुल वर्ड है वह है बंद परिपथ। बंद परिपथ इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड सर्किट, और ये यहाँ पर है खुला परिपथ। खुला परिपथ ये आप ध्यान रखना, बंद परिपथ और खुला परिपथ, क्लियर। मतलब विद्युत वाहक बल बंद परिपथ में लागू होता है। जैसे यहाँ पर एक मैं छोटा सा सर्किट बना दूँ, तो मान लो यहाँ पर मैंने ये एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया और एक छोटा सा बैटरी लगा दिया, तो बैटरी के पास है विद्युत वाहक बल और यह परिपथ बंद है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, क्लियर। इसे प्रवाहित होने वाली धारा आई है, ये एक बंद परिपथ है और इसके लिए क्या होता है बंद परिपथ की आवश्यकता नहीं होती, ये खुले परिपथ में होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बंद परिपथ किस किन किन परिस्थितियों में हम परिपथ को बंद कहेंगे। देखिए बंद परिपथ का मतलब स्टूडेंट सामान्य रूप से क्या समझ लेता है, या कई बार उसके दिमाग में एक छोटा कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि जैसे स्विच को मैंने ऑन किया, हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर स्विच लगाए उसको ऑन किया, बल्ब जल गया, परिपथ बंद हो गया क्योंकि हमने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने का मतलब होता है दो वायर को कनेक्ट करना। स्विच के अंदर में एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम पुश करते हैं तो दोनों टच हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बंद परिपथ। तो क्या सपोज यहाँ पर मैं की लगाया हूँ, इस की को मैं ऑफ कर दूँ कुंजी को, तो परिपथ खुला हो जाएगा क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन इसको हम की को ऑन कर दिए तो ये क्या हो गया, ये बल्ब ग्लो होने लगा, ये बल्ब जलने लगा, यहाँ पर क्या हो गया परिपथ, ये बंद परिपथ हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप ये देखो कि बाय द वे मैं आपको कहूँ कि मैंने स्विच ऑन किया, मतलब फिजिकली इसको मैं जोड़ दिया, लेकिन मेरा बल्ब नहीं जला, तब हम उस परिपथ को क्या कहेंगे, बंद कि खुला। भाई हमने तार को कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तार को कनेक्ट करने पर हमारा डिवाइस काम करने लगे। जैसे आप घर में कई बार देखे होंगे कि जब घर में वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाता है तो हम एसी के स्विच को ऑन कर देते हैं, लेकिन एसी काम करना तो स्टार्ट नहीं करता जबकि स्विच तो ऑन है। तो इस परिपथ को खुला कहा जाए कि बंद कहा जाए, एक कन्फ्यूज़न की बात है क्योंकि फिजिकली तो सर्किट क्लोज्ड है लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तब हम इस सर्किट को बंद नहीं खुला कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वर्क होना चाहिए। वर्क होना चाहिए मतलब उसमें धारा बहना चाहिए, केवल आप तार को जोड़ दिए तो परिपथ क्लोज्ड हो गया ऐसी बात नहीं है। तार को क्लोज करने के बाद उसमें परिपथ में धारा बहना भी चाहिए, मतलब उसमें कार्य होना भी चाहिए, ये बंद परिपथ है। मतलब बंद परिपथ का एक्चुअल में जो महत्वपूर्ण कंडीशन होता है तीन, उसमें आप ध्यान से इसको समझना। पहला ये कि जब विद्युत वाहक बल बड़ा होता है विभवांतर से, जब विद्युत वाहक बल विभवांतर से बड़ा होता है तब हम उस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं, यह ध्यान रखना, तब हम उस परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं, ठीक है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कभी नहीं भूलना, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाता है तब हम उस परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं, क्योंकि यदि विद्युत वाहक बल विभवांतर से के बराबर हो गया, जैसे यहाँ पर मैं आपको नहर और बांध के पानी के एग्जाम्पल दूँ, तो मान लो नहर की ऊंचाई और बांध की ऊंचाई बराबर है, दोनों अप एंड डाउन नहीं है, दोनों बराबर हैं, तब क्या नहर में पानी बहेगा? नहीं बहेगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि इसमें जो सेल लगा है उसका विद्युत वाहक बल, इसमें जो बल्ब लगा है उसका विभवांतर के बराबर हो जाए तो वहाँ पर फिर धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है वो है यदि विद्युत वाहक बल विभवांतर से छोटा हो जाए तब भी हम उस परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं। ये बात आप कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि परिपथ कब खुला होता है कब बंद होता है। केवल इस कंडीशन में, केवल ये जो पहला कंडीशन है इसी कंडीशन में बस परिपथ बंद होता है, बाकी दोनों में खुला होता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो मेरे स्टूडेंट के दिमाग में इतना क्लियर रहे
कि कल के लिए किसी भी चैप्टर पर मैं विद्युत वाहक बल कहूँ और विभवांतर कहूँ तो फटाफट क्लियर होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। क्लियर? तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ध्यान सुनना, कि जैसे बाय द वे हम क्या करते हैं, हमारे घर में मान लो कोई टार्च है, रिचार्जेबल, नहीं रिचार्जेबल टार्च की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम रोज चार्ज कर लेते हैं, मैं उस टार्च की बात कर रहा हूँ जिसको हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी ख़राब होता है तो फेंक देते हैं और नया बैटरी लगाते हैं, ऐसे टार्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से आप सुनना कि सपोज़ हम अपने घर में एक टार्च में दो सेल लगाए, दो बैटरी लगाए, नया बैटरी लगाया टार्च में, टार्च जलने लगा, टार्च को हम यूज़ कर रहे हैं फिर उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होते जाती है, ये आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि सेल के पास विद्युत वाहक बल है और बल्ब के पास विभवांतर है, तो विद्युत वाहक बल कम होते जाता है, वो खर्च होता है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि एक दिन वो टार्च काम करना बंद कर देता है, मतलब उसका बल्ब जलना बंद कर देता है। तब हम लोग क्या कहते हैं? तब हम लोग कहते हैं कि हमारा भाई सेल खराब हो गया, अब उसको निकाल दो। लेकिन आप में से किसी ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा कि हम उसमें से टार्च में से सेल को निकाल दिए और सेल को टार्च में से निकाल के हम किसी दूसरे डिवाइस में, सपोज हमारे घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर रेडियो, उसमें लगा दिया तो रेडियो चलने लगा, रेडियो बजने लगा। तो भाई जो सेल टार्च में काम नहीं कर रहा था वो रेडियो को क्यों चलाने लगा? इससे ये पता चलता है कि टार्च में जब वो था तो उसका विद्युत वाहक बल घटते घटते एक दिन पहले जब नया हम सेल लगाए तो ऐसा रहा होगा, नया बैटरी था उसका विद्युत वाहक बल विभवांतर से ज़्यादा था, परिपथ बंद होता था, उसमें धारा प्रवाहित होती थी। लेकिन उस टार्च में ये खर्च होते गया, ये तो कांस्टेंट होता है, 220 वोल्ट लिखा है, मैंने 220 वोल्ट ही रहेगा। आज मैं बल्ब खरीद के लाऊंगा उसमें 220 वोल्ट लगा है, लिखा है, तो 10 साल बाद भी उसका विभवांतर 220 वोल्ट रहेगा, लेकिन बैटरी लाऊंगा वो आज जितना लाएंगे उतना ही रहेगा, खर्च होगा। तो टार्च को हम यूज़ किए तो एक, सॉरी ये धोखे से लिख लिया ना इसको, सॉरी ये इक्वल रहेगा ना, ये तो बड़ा है ये इक्वल। तो अब धीरे 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 ई खर्च होते होते क्या हो जाएगा, ई खर्च होते होते वी के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही ई खर्च होते होते वी के बराबर हुआ उस दिन टार्च ने काम करना बंद कर दिया, टार्च जलना बंद कर दिया। अब हम उस बैटरी को निकाले रेडियो में लगा दिए, तो रेडियो का जो विद्युत, रेडियो का जो विभवांतर है अभी उस सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, मतलब रेडियो के लिए फिर ऐसा कंडीशन बन गया, अब वो चलने लगा और इस कंडीशन में तो हम प्रवाहित। तो यहाँ मेरे इस एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि कब परिपथ बंद होता है कब खुला होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे घर में वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाए तो CFL तो जल जाता है लेकिन AC नहीं चलता, बल्ब तो जल जाते हैं, CFL जल जाता है या LED जल जाता है, लेकिन उस समय हमारा AC काम नहीं करता, हमारा फ्रिज नहीं चलता, हमारा कूलर नहीं चलता, क्योंकि उसको ज़्यादा विद्युत वाहक बल चाहिए और उसके पास अभी इतना विद्युत वाहक बल है नहीं। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना। अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये आप समझ गए होंगे कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बंद परिपथ में होता है, विभवांतर खुला होता है, और जब दोनों आपस में बराबर होते हैं वो कौन सा कंडीशन है, यही विभवमापी का सिद्धांत है जो आगे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो तो मेरा रिपीट चल रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि विद्युत वाहक बल सेल, बैटरी या जनरेटर के पास होता है, मतलब जो करंट को जनरेट करता है उनके पास होता है, और विभवांतर किन के पास होता है, ये किसी परिपथ के पास होता है, सर्किट के पास होता है या किसी डिवाइस के पास होता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार मैं इसकी परिभाषा को आपको रिपीट कर दूं फाइनली यहां से, तो यहां से परिभाषा हम क्या कहेंगे, अब ध्यान से सुनना, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में, अब हम स्पष्ट बोलेंगे बंद परिपथ में, एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर? और यहां हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यहां बंद परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य है और यहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। क्लियर? तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है उसको ध्यान से या ध्यान रखना, E ग्रेटर देन V तो परिपथ बंद, E इक्वल टू V तो परिपथ खुला, और E लेस देन V तब भी परिपथ खुला। ये होता है विभवांतर और विद्युत वाहक बल। क्लियर? तो आगे अब हम चलते हैं इसमें, इसके बाद हमारा जो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है अनुगमन वेग। देखिए मैं स्पेशली इस वीडियो को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला ही वीडियो है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, और कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, तो हो सकता है मेरा
माइक वगैरह में कुछ दिक्कत उस दिन रहा हो, तो इससे मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, और चलिए उसे आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, अच्छे से इसको देख लेंगे। और ऐसे भी है चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारा का अनुगमन वेग। धारा का अनुगमन इंग्लिश बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश नाम को तैयार करते हुए चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करेंट, धारा का अनुगमन वेग। धारा का अनुगमन वेग का मतलब क्या होता है? देखो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वास्तव में जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होता कौन है? जैसे नहर में पानी बह रहा है तो वाटर पार्टिकल्स पानी के कण वहाँ प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो कौन प्रवाहित होता है, वहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जो फ्लो होता है? तो वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन नहीं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअल में करेंट फ्लो होने में सामान्य इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एक बार मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिस्कस कर दूं, ठीक है? मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं एक बार बोलता हूं, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन को हीरो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोलता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का हीरो है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो तो हम विद्युत की कल्पना ही नहीं कर सकते। यही वो चीज है जो हमको करेंट के रूप में प्राप्त हो रहे। कैसे होता है देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कि जैसे कोई एटम का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं इस प्रकार से, तो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब अलग अलग होती है, और जैसे जैसे हम क्या है न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं तो वहाँ पर क्या है दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है कम होते जाता है, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण बल। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल कम होता है। तो जब हम आखिरी कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अपने नाभिक के साथ कमजोर बंध से बंधे होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता कैसे है? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इतना फ्री नहीं है कि अपने ऑर्बिटल को छोड़कर कहीं भी घूम रहा है अपने ऑर्बिटल में ही। लेकिन इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है कि यह एक सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं है, क्योंकि वृत्ति पथ में गति करने के लिए किसी भी पिंड के पास या किसी भी कण के पास पर्याप्त अभिकेंद्र बल होना चाहिए, लेकिन इसके पास उतना अभिकेंद्र बल नहीं है, इसलिए वृत्ति गति नहीं करता है। क्लियर? दूसरी बात क्या है, ये जो हमारे क्वांटम नंबर है उनको फॉलो नहीं करता, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये जो फोर क्वांटम नंबर होते हैं ये क्वांटम सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। तो फिर ये करता क्या है, इसकी जो गति होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो इस प्रकार से होती है। ये गति का मैं इसका यहाँ पर पथ बना रहा हूँ, देखिए ये गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया इसने गति, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पर आ गया। ये ऐसा गति करता है जिग जैग पाथ में, और इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है? ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने दिया, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो बाकी इलेक्ट्रॉन हैं वो वृत्ति पथ पे घूम रहे हैं, और ये ऐसा घूम रहा है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जहाँ जहाँ पर ये अपनी गति की दिशा को यहाँ गति की दिशा बदला, यहाँ गति की दिशा बदला, यहाँ गति की दिशा, ये जहाँ जहाँ गति की दिशा बदल रहा है वहाँ पर कर क्या रहा है? तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का टक्कर है। जैसे कोई वस्तु सीधा जा रहा है, किसी से टकराया, टकरा के मुड़ जाता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, उस वीडियो में भी दिया था, देखा होगा आपने, कि आपने कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक स्क्रीन सेवर देखा होगा, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल हमेशा देता हूँ। उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, और छोटे छोटे बाल ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, उधर जाते हैं, फिर टकराते हैं, उधर जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में टक्कर होते रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों में। इनमें टक्कर नहीं होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन में है, ये सिस्टम में है, कि हमारे इसी ऑर्बिटल में रहना है, इधर घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इनके पास एक सिस्टम है बाकी इलेक्ट्रॉन के पास।
लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास कोई सिस्टम नहीं है, इस तरह से है। इस कारण क्या होता है, ये जिग-जैग पाथ में गति करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं, तो एक बार यहाँ पर टकराए, फिर यहाँ पर टकराए होंगे, फिर यहाँ पर टकराए होंगे, ऐसी टकरा रहे हैं, तो दो टक्करों के, दो सतत टक्करों के, सतत मतलब लगातार, तो दो लगातार टक्करों के बीच उसका जो औसत वेग होता है, उसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब अनुगमन वेग का परिभाषा क्या आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग होता है उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसको वी डी से प्रदर्शित करते हैं, वी इक्वल टू आएगा 0 प्लस वी अपॉन 2, दैट मीन्स वी डी इक्वल टू वी अपॉन 2। हमने 0 क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब टकराता है और अपनी गति की दिशा को बदलता है, तो ऐसा माना जाता है, हम फिजिक्स में ऐसा मानते हैं कि कोई भी गतिशील पिंड यदि अपनी गति की दिशा को बदल रहा है, दैट मीन्स वो कुछ देर के लिए रुका होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो ये शून्य वेग, अंतिम वेग बटे दो, माने ये हो गया धारा का अनुगमन वेग। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो है श्रांति काल। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, इसको प्रदर्शित करते हैं टाया टाउ से, क्लियर, ये इसका संकेत है टा। तो श्रांति काल क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, श्रांत, विश्राम करना, आराम करना। तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर अवस्था में नहीं आते, इलेक्ट्रॉन सतत लगातार गति करते रहते हैं, तो यहां पर हमने माना कि ये कुछ देर के लिए रुका, तो ऐसा मानते हैं कि दो टक्करों के बीच में वो रेस्ट करता है, रिलैक्स होता है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल का। मतलब दो सतत टक्करों के बीच का जो समय काल होता है, जो अंतराल होता है, एक बार रुका फिर रुका, और दोनों के बीच में जितना उसने समय लिया, उसी समय को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और आगे हमको ये काम आना है, इसलिए हम इसको पढ़े, क्लियर। तो यह है फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ कि किसी भी सर्किट में धारा हम प्रवाहित किस प्रकार से करते हैं। देखो, जैसे ये कोई चालक तार है, ये मैंने एक चालक तार लिया AB एक चालक तार है, और इस चालक तार के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सपोज एक कॉपर का है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ के पास नहीं होते, केवल चालक के पास होते हैं। यदि सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता, कांच के पास, लकड़ी के पास, प्लास्टिक के पास भी यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता, तो वो भी विद्युत का चालक होता। वो विद्युत के चालक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। चालक होने के लिए जरूरी शर्त है कि उसके पास क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, क्लियर। अब ए भी हमारे पास एक चालक तार है, इस चालक तार को मैं क्या किया, एक इस प्रकार से कुंजी के साथ, बैटरी के साथ ये कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ कि किसी चालक तार में धारा कैसे प्रवाहित होती है। बहुत मज़ेदार बात है, ध्यान से आप सुनना कि बैटरी लगाते हैं उसमें धारा बहने क्यों लगती है, उसका कारण क्या है। तो होता क्या है, अभी ए बी, मान लो मैं बैटरी ऑफ करके रखा हूँ, मतलब स्विच ऑफ कर दिया हूँ, स्विच ऑन नहीं किया हूँ, तो ये इसके पास जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये जितने भी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जितने भी अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, इधर जिधर पा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई इनकी दिशा नहीं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने पर क्या होता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, धन सिरा है, तो बैटरी का धन सिरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। तो इधर उधर भागने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, वो बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर इधर उधर गति करने के बजाय सिस्टमेटिक क्या करते हैं, धन सिरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगते हैं, और गति करते करते ये बैटरी के धन सिरे की ओर आते हैं, और इधर उधर भागने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो ऐसे थे, वो सिस्टमेटिक गति करने लगते हैं इस दिशा में, और इसमें धारा बहने लगती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, यहाँ पर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो आके बैटरी के धन सिरे में आके न्यूट्रल हो गए, तब तो कॉपर के पास फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। ऐसा दिमाग में आप सोच सकते हैं, यदि ऐसा होता तो कितना बड़ा समस्या हो जाता, पता है आपको, कि हम क्या है, बाजार से जाते और अपने घर में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कॉपर का वायर खरीद के लाते और घर में बिजली फिटिंग कराते और उसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते,
पता चल रहा है 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद सब इलेक्ट्रॉन खत्म और हमारे पूरे के पूरे जो कॉपर के वायर हैं वो इंसुलेटर बन जाते हैं और करेंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। लेकिन क्या कर नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि कभी किसी कंडक्टर के मुक्त इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो सकते। तो भाई ये बहने के बाद जाते हैं तो इनकी सप्लाई कौन करता है, इनकी सप्लाई करता है ये इनकी सप्लाई करता है कौन, बैटरी का रीड सिरा। ये इधर से मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से बैटरी में प्रवेश करते हैं उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके रीड सिरे से तार की ओर वापस चले जाते हैं। 10 इसने लिया तो 10 दिया, इसीलिए खर्च किसका मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, बैटरी का। तो बैटरी का मुक्त इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। वो शर्त लगा के रखा है कि भाई मैं उतने ही, ये कापर बोलता है भाई मैं तुमको उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन दूंगा जितना तुम मेरे को पीछे से रिकवरी करोगे, नहीं तो नहीं दूंगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है वो देना बंद कर देता है। कैसे, अभी मैंने आपको समझाया कि बैटरी हमारा धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। अब बैटरी के पास इस तार को देने के लिए, तार मीन्स इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, इसको देने के लिए इसके पास अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तार को मना कर देगा, बोलेगा भैया अब मैं तेरे को मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। उस दिन धारा बहना बंद, उसी दिन परिपथ खुला। जैसे आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में आपने मोबाइल को चार्ज किया, मोबाइल को बढ़िया यूज़ कर रहे हो, तो मोबाइल क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ले रहा है आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी है उससे, और बैटरी के मुक्त इलेक्ट्रॉन खर्च होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मोबाइल के बैटरी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, तो डिवाइस को देगा नहीं, तो ख़त्म। तब आप जाकर उसको क्या करते हो, रिचार्ज करते हो, प्लग में लगाते हो, चार्ज करते हो, फिर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन स्टोर करता है। ये ऐसी कहानी है इसकी, आगे के चैप्टर में और इन सब चीज़ों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, ये तो आपको पहले ही बता दिया, रिपीट हो रहा है। ये है इनका स्टोरी कि किस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैं इतना डीपली डिस्कस इसमें इसलिए कर रहा हूँ जो पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं या इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट थोड़ा उसको इमेजिन कर सके कि इतना बताने के बाद उसमें जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, वो आप उसको इमेजिन कर पाओ तो आप फिजिक्स अच्छा समझ पाओगे। क्लियर, तो ऐसे धारा प्रवाहित होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं धारा के अनुगमन वेग का एक मैथमेटिकल रिलेशन, और वो है धारा का अनुगमन वेग और धारा में संबंध, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसी हेडिंग को मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं, देखो धारा तथा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये मैं फिजिक्स का दिमाग लगा दिया उसी हेडिंग को इसके लिए बना दिया। ठीक है, क्या हो गया, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हेडिंग में मिटा दिया। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, पहले मैं रिलेशन को लिख दूं, तो इन दोनों में संबंध होता है I इक्वल एन ई ए इंटू वी डी, सब का आपस में गुणा हुआ है, ध्यान रखना। एक छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ पर आई धारा है, एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इकाई लंबाई में, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और वी डी तो आप पहचान चुके हैं अनुगमन वेग है। तो ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास एक चालक तार है, ये मैंने एक मोटा चालक तार इमेजिन किया, इसकी कल्पना की कि एक चालक तार है और इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनका अनुगमन वेग वी डी है। क्लियर, और इस चालक तार की लंबाई L है, इकाई लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। ये जो जो वेरिएबल हमने इसमें मान लिया, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना दिया। अब यहाँ पर देखो, इकाई समय में, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करें, इकाई समय में यूनिट टाइम में इकाई समय में बहने वाली धारा, तार से ना बहने वाली, पहले धारा नहीं निकालते, इकाई समय बहने वाली, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह मैं निकाल रहा हूं कि इकाई समय में इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इकाई समय में इसमें से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, देखो
जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो एन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जितने एरिया में उपस्थित हैं वो ए, और चूंकि इकाई समय की बात हो रही है तो अनुगमन वेग का उसका गुणा हो जाएगा। तो ये एक एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में आयतन है। देखो ये क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल हुआ, और वी डी मतलब वेग है, लेकिन इकाई समय में वेग क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। इकाई समय में वेग विस्थापन या दूरी होता है, तो दूरी का क्षेत्रफल के साथ गुणा होगा तो आयतन हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इकाई आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, उसका एन का गुणा हो गया, तो इकाई समय बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। इसलिए टी समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एन ए वी डी इंटू टी, ये हो जाएगा। मतलब टी समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना हो जाएगा। अब देखो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, ई है, अपने को मालूम है, यहाँ पर ये लगाने की जरूरत नहीं है, ऋण इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऋण है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, तो इसलिए टी समय पर प्रवाहित या बहने वाली प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, एन ए वी डी टी इंटू ई, ये हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में ई आवेश है तो इतने समय बहने वाले इलेक्ट्रॉन पर इंटू ये ई का गुणा कर दिया। अब चूंकि हमको पता है कि धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू, ये जो Q है, इस आवेश को हम यहाँ Q मान लेते हैं, इसके मान को यहाँ पर भर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, N A V D T इंटू E और अपॉन T। यहाँ पर देखो अंश और हर से दोनों T यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इक्वल, ये हो जाएगा I इक्वल टू एन, अब E को पहले लिखता हूँ, एन ई ए इंटू वी डी, यही है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जो मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ये प्रूफ हो गया। और इसके साथ लगा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, वो है धारा घनत्व इंग्लिश में बोला जाता है इसको करेंट डेंसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। करेंट डेंसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं J से, और J इक्वल टू होता है I अपॉन A, मतलब इकाई क्षेत्रफल पर बहने वाली जो धारा है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। अब यदि हमको इसी संबंध को, ऊपर वाले संबंध को धारा घनत्व के साथ इसको संबंधित करना है, मतलब ये जो संबंध है यदि हम इसको धारा तथा अनुगमन वेग में नहीं बल्कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना चाहें, तो इसमें मैं ए को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई अपान ए, ये जो ए है इसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो आई अपान ए इक्वल हो जाएगा एन ई इंटू वी डी, और दैट इम्प्लाइज आई अपान ए को अभी हमने पढ़ा है जे कहते हैं, तो जे इक्वल हो जाएगा एन ई वी डी, ये कहलाता है धारा घनत्व। अब ये जो फार्मूला हम यहाँ पर अभी डिराइव किए हैं, इसका हमको जरूरत पड़ेगा आगे के टॉपिक में, और इस चैप्टर का, इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, ओम का नियम, तो ओम के नियम को हम इसके बाद डिराइव करेंगे, ओम का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं सब के लिए इसको पढ़ा गया है, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि आप छोटे क्लास में ओम के नियम को केवल कथन के रूप में पढ़ा है, अब यहाँ पर हमको ओम के नियम को क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ओम के नियम पर कंप्लीट डिस्कस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो ओम के नियम पर ही बेस्ड होता है कंप्लीट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम का नियम, ओम साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने धारा के लिए कुछ रूल दिया, नियम दिया, उसको हम बोलते हैं क्या, ओम का नियम। तो इन्होंने जो नियम दिया उस नियम का जो कथन है, स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं आपको कथन सुनाता हूँ
फिर हम मैथमेटिकल पोर्शन में इसके आएंगे। टू दी पॉइंट यहाँ पर आप कथन को लिखोगे, और इसका कथन क्या है, ओम ने कहा यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, इन द सेंस चालक की लंबाई चौड़ाई मोटाई ताप उसका आर्द्रता ह्यूमिडिटी सब क्या हो, कांस्टेंट हो, कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तब उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। एक बार और ध्यान सुनिए, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दैट मीन्स यदि मैं यहाँ पर छोटा सा एक सर्किट बना दूँ सांकेतिक, तो मान लो ये कोई चालक तार है ए बी, और यहाँ पर हमने इसके साथ एक की लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। ये अब मान लो ए और बी के बीच का विभवांतर भी है और इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है। तो ओम के नियम के अनुसार हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आई, और ये है ओम का नियम। अब यहाँ पर आप देखो, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज वी इक्वल टू आर, एक कांस्टेंट का गुणा करेंगे ये हो जाएगा आर इंटू आई, और यहाँ पर आर जो गुणा किया गया है, आर फार होता है रेजिस्टेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, क्योंकि आर फार रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। प्रतिरोध का सामान्य मीनिंग ये है कि धारा के मार्ग में रुकावट। जब हम किसी, जैसे आप रोड में जा रहे हैं तो रोड में स्पीड ब्रेकर लगा होता है, स्पीड ब्रेकर क्या करता है, हमारी गाड़ी के गति को हमको कम करना पड़ता है उसको पार करने के लिए। वैसे ही जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो कई जगहों में जानबूझ के प्रतिरोध लगाना पड़ता है धारा के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, आगे आप डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, मतलब धारा के मार्ग में अवरोध। आगे उसका डेफिनेशन देखेंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, और यहां से हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा इस तरह से करेंगे, यदि धारा का मान इकाई हो, यदि धारा क्या हो, इकाई हो, तो उस कंडीशन में आर किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। मतलब यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उस कंडीशन में उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है वह उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, क्लियर। और इसका मात्रक होता है ओम इसका मात्रक है, जिसको हम इस प्रकार से ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ये ग्रीक लेटर का ओमेगा है, ये इसका मात्रक है। अब यदि हमको एक ओम की परिभाषा लिखना हो, सपोज हमको एक ओम को परिभाषित करना हो, तो किस प्रकार से हम प्रवाहित करेंगे, परिभाषित करेंगे एक ओम, ये एक ओम है। तो यहाँ पर यदि हम विभव को, यदि V इक्वल टू एक वोल्ट ले लिया जाए और करेंट I को यदि एक एम्पियर ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 ओम हो जाता है। इस प्रकार से हम इसकी क्या परिभाषा कर सकते हैं, ध्यान से सुना, यदि किसी चालक में एक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता हो, यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों में एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता हो, तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है, एक ओम कहलाता है, क्लियर। यह है एक ओम की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। यह तो हुआ ओम के नियम का कथन, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक मैं वर्किंग स्टेप आपको बता रहा हूँ। वर्किंग स्टेप मतलब इसका डेरिवेशन लंबा है, बहुत से फार्मूले यूज होते हैं। तो ये जो वर्किंग स्टेप आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसको आप अलग से लिख के रखेंगे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे। इसके प्रूफ के लिए वर्किंग स्टेप्स कि हम क्या क्या करेंगे कि आसानी से प्रूफ हो जाए, तो यहाँ पर मैं रेड इंक से वर्किंग स्टेप को लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ई, और ई इक्वल टू होता है वी अपान एल, ई इक्वल टू वी अपान एल माने विभवांतर बटे तार की लंबाई, ये सूत्र हम पहले से जानते हैं। दूसरा फार्मूला हो जाएगा, जब ई निकल जाएगा तो हम निकालेंगे विद्युत वाहक बल की सहायता से, हम निकालेंगे बल, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ई, आवेश गुणित तीव्रता। तीसरे नंबर में हम जो फार्मूला यूज करेंगे, त्वरण, ए इक्वल टू एफ अपान एम, न्यूटन के नियम से।
चौथा सूत्र हम यूज करेंगे गति का प्रथम नियम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और पांचवें नंबर में अपन यूज करेंगे i इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहां से जो v निकलेगा वी डी के फॉर्म में निकलेगा। ये मेरा वर्किंग स्टेप है, ट्रिक्स है, यह ट्रिक मैंने बनाया है स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए कि कितना आसानी से। अब यहीं पर मैं इसको प्रूफ करूंगा, तो देखिए इसके आधार पर आप फटाफट दो लाइन में प्रूफ कर लेंगे। इसमें होगा क्या देख लीजिए, सबसे पहले ई निकलेगा वो यहाँ आके पुट होगा, ई निकाल के यहाँ पर भर देंगे, जैसे ही यहाँ रखेंगे एफ निकल जाएगा, एफ के मान को हम इस सूत्र में भर देंगे। देखिए ऐसा मैंने उसको सिस्टमेटिक बनाया है, जैसे यहाँ पर ए निकलेगा, इसके बाद ए निकलेगा तो ए को ला के हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वी डी निकलेगा और वी डी को ला के यहाँ पर पुट कर देंगे, और आखिरी में फिर आपका ओम का नियम अपने आप बिल्कुल मैजिक की तरह, जादू की तरह वो प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे बड़े बड़े फार्मूले हमको डिराइव करने होता है तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ऐसे उसके लिए की पॉइंट बना के रखो कि ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, उसके बाद भी प्रूफ हो जाएगा। अब इन्हीं स्टेप को मैं फॉलो करूँ तो देखना दो लाइन में हमारा फटाफट प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखिए, जब हम इसको प्रूफ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हमको पता है क्या कि E इक्वल टू होता है V अपान L, फिर अपन लिखेंगे बट परंतु F इक्वल टू E इंटू ई से, दैट इंप्लाइज F इक्वल टू, मैंने क्या बोला E को यहाँ भर दीजिए तो E के मान यहाँ भर देंगे, तो E इंटू V अपान L तथा त्वरण ए बराबर, ए त्वरण है ना यहाँ पर, त्वरण ए बराबर एफ बटे एम से, दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू, अब इस एफ के मान को यहाँ पर भर दो, एफ के मान को यहाँ रखने बोला मैं, एफ का मान यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा ई वी अपान एम एल। क्लियर, अब ए निकल गया तो ए के मान को यहाँ पर रखेंगे, तो फिर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिख लेंगे गति के प्रथम समीकरण से, ये गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इंप्लाइज यहाँ पर वेग अनुगमन वेग है तो वी डी लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से गति करता है तो जीरो, और प्लस त्वरण का मान यहाँ से ला के हम यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर लिखा हूँ मैं यहाँ पर भरेंगे तो ई वी अपान एम एल, और यहाँ पर जो टाइम है सामान्य टाइम नहीं है, श्रांति काल है जिसको हम टा से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया आपको श्रांति काल, क्योंकि यहाँ पर समय सामान्य समय नहीं श्रांति काल है। क्लियर, इसके मान को भर देंगे, दैट इंप्लाइज अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा वी डी इक्वल टू ई वी टा अपान एम एल। अब फिर अपने को पता है, परंतु वी डी निकालने के बाद कहाँ भरने बोला मैं, इसमें भरने की बोला, परंतु अपने को पता है कि I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, दैट इंप्लाइज I इक्वल टू वी डी के मान को यहाँ पर भर दें तो एन ई ए, और ये मान को भर दें ई वी टा अपान एम एल। क्लियर, दैट इंप्लाइज अब यहाँ पर देखो V और I को हम एक साथ सेपरेट करते हैं क्योंकि हमको रेजिस्टेंस बनाना है, तो V और I को एक पक्ष में रखते हैं, I को मैं इधर पक्षांतर करता हूँ V के पास, और उस साइड में V को छोड़ के जितनी राशियाँ हैं उसको इधर पक्षांतर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा V अपान I इक्वल, ये इधर ट्रांसफर हो गया तो एम एल अपान ई, और ई का गुणा हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टा, ये हो गया V अपान I, और दैट इंप्लाइज V अपान I को हम क्या कह सकते हैं R, तो इतने को ओम ने फिर क्या मान लिया R मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V अपान I इक्वल टू R, और यहाँ ध्यान रखना चूंकि R बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टा, ये ओम ने इतने राशि को कांस्टेंट माना और उसको रेजिस्टेंस कहा, ये पूरी राशि यही रेजिस्टेंस का फार्मूला है। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि ओम के नियम की सहायता से प्रतिरोध की गणना करो, तो ये प्रतिरोध का मान है, इसको ध्यान रखना, हाईलाइट करके रखना, इसको याद रखना है प्रतिरोध का मान है। अब आगे यहाँ पर देखो, आगे हम दैट इंप्लाइज आई को इधर पक्षांतर कर दें तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, या आर इंटू आई कह सकते हैं, एक ही मतलब है ये, और ये कांस्टेंट और इक्वल मिलकर समानुपात का चिन्ह बना लेते हैं तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, और यही क्या हो जाता है प्रूव्ड हो जाता है ओम का नियम, ये वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये है ओम का नियम। इस प्रकार से ये जो मैं रेडिंग से लिखा हूँ ये इसका की पॉइंट है,
इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके सहूलियत के लिए है कि कभी भी ओम के नियम को रिविजन करना है अपने को फटाफट। जैसे मुझे पढ़ाना था तो मुझे नहीं पता कि मुझे ओम का नियम कैसे प्रूफ करना है, मुझे ये पता है कि मेरे पास ये 5 की पॉइंट हैं और मैं ये काम करूँगा, मेरा नियम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आपको डेरिवेशन को तैयार करना है फिजिक्स में, क्लियर? तो पूरा डेरिवेशन फिर बहुत आसान है, ये है ओम का नियम और बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे PDF में सब नोट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन PDF में तो मैं डाल ही दिया है सब, आप पढ़ ही रहे हैं उसको। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये R पर, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है इस चैप्टर का, ठीक है? तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और उससे दो नए कॉन्सेप्ट यहां पर पता चलता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आप सूत्र को ध्यान से देखिए, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में वो चीज उसको प्रभावित करेगा जो फार्मूला में आया हुआ है, क्लियर? तो हम पढ़ेंगे R को प्रभावित करने वाले कारक, R को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें सबसे पहले सूत्र को लिख लें अपन। अपने को पता है कि R इक्वल टू होता है ML/N(E²A)×τ। ये प्रतिरोध का फार्मूला हमने अभी डिराइव किया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि R किन किन चीज़ों से प्रभावित होगा। तो ध्यान से देखना, मैं उन चीज़ों को रेड इंक से घेर रहा हूँ जो उसको प्रभावित नहीं करेंगे। प्रभावित कौन नहीं करेंगे? जो कांस्टेंट है, क्योंकि जो कांस्टेंट होते हैं वो किसी भौतिक राशि को प्रभावित क्यों, वो तो खुद कांस्टेंट है, खुद अपने में बदलाव नहीं ला रहा है तो दूसरे में क्या बदलाव लाएगा वो। तो कांस्टेंट किसी को प्रभावित नहीं करता, तो कौन कौन नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत है वो प्रभावित नहीं करेगा, एन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक तार में फिक्स है। ये देखो एन के साथ एक कन्फ्यूजन है, एन कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी। कांस्टेंट कैसे है? जैसे मान लो मेरे पास कापर का तार है, तो कापर के तार में इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, कांस्टेंट हो गया। लेकिन मैं तार बदल के एल्यूमिनियम का तार कर दिया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी, क्योंकि मटेरियल ही बदल गया, तो ये मटेरियल बदलने पर चेंज हो जाता है, ठीक है? फिलहाल ये कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो तीन चीज बच गए जिसको मैं रेड ब्लैक इंक से घेर रहा हूँ, ये है एल, ये प्रभावित करेगा, ये है ए, ये प्रभावित करेगा, और ये है टा, ये प्रभावित करेगा। तो ये तीनों चीज, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चीज क्या करेंगे? प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। और कैसे करेंगे? जो अंश में है वो समानुपातिक होगा और जो हर में है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या हुआ? R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसीलिए जब दूर तक कनेक्शन ले जाते हैं, आपने देखा होगा गांव वगैरह में बच्चे जैसे मैदान में क्रिकेट का खेल कराना चाह रहे हैं, यहाँ कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, तो किसी के घर से खंभा लगा 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 के दूर तक कनेक्शन लेके जाते हैं। तो आप देखे होंगे वहाँ पर बल्ब लगाते हैं, तो बल्ब क्या होता है? बहुत कम रोशनी के साथ जलता है, क्योंकि हमने तार की लंबाई को बढ़ा दिया, इसीलिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। आगे एक चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो तार की लंबाई को बढ़ाने पर क्या होता है? चालक तार की प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दूसरा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि चालक तार को मोटा कर दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाता है। इसीलिए घर में जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो कहीं AC लगाना है तो हमारा इलेक्ट्रिशियन पूछता है, बोलता है कि AC लगाना है सर, यहाँ पर 2.5 mm का तार लगेगा, यहाँ पर एक बल्ब जलाना है तो 1 mm में काम चल जाएगा। तार की मोटाई पर क्यों बात करता है? इसलिए कि तार जितना मोटा होगा, दैट मीन्स तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम हो जाता है। तो दूर तक इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो तार को हम मोटा यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा मत समझना कि मोटा तार मजबूत होता है इसे ले जाते हैं, ठीक है? कई बार दिमाग में क्या आता है, दूर तक कनेक्शन ले जा रहे हैं तो दूर तक ले जाना है तो मोटा ले जाएंगे तो मजबूत रहेगा। मजबूती से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस से मतलब है। जितना ज़्यादा मोटा करेंगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट भी कम होगा, क्लियर?
तो ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आगे और डिस्कस होगा। और तीसरा है ये श्रांति काल, जो कि सीधा सीधा प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से बता दूँ, ये जो श्रांति काल है खुद प्रभावित होता है टेम्परेचर से, और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह ताप है, यहाँ पर टी क्या है, ताप है, समय नहीं समझ लेना, ठीक है। समय को अपन जनरली स्मॉल टी लिखते हैं। तो श्रांति काल ताप से कैसे प्रभावित हो रहा है, ताप को बढ़ाने पर, जैसे किसी चालक तार के ताप को बढ़ा दिए, गर्म कर दिए, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होते हैं मतलब एक्सटर्नल एनर्जी गेन करके तेजी से टकराने लगते हैं, मतलब श्रांति काल घट जाता है। तो तार को गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं, मतलब श्रांति काल घट जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटता है, और श्रांति काल जब घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप ये देखो कि R श्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती है। देखो R है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार मैं, R प्रोपोर्शनल टू 1/τ है, और टा 1/t है, तो R के साथ T का संबंध कैसे हो जाएगा, समानुपातिक संबंध हो जाएगा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो ये दोनों समानुपातिक हो जाएंगे। तो R प्रोपोर्शनल टू T होता है, दैट मीन्स ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। सीधा सा एग्जांपल है, आपने अपने घर में देखा होगा कि गर्मी के दिनों में वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाता है। गर्मी के दिनों में सबके घर में पावर का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा वोल्टेज कम आता है, क्यों, क्योंकि पूरे सर्विस तार केबल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो केबल आया है घर के साथ गर्म हो जाते हैं। या इसका उल्टा भी सही है कि प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप बढ़ता है। तो देखा होगा कि हम घर में सामान्य तार में यदि धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये बल्ब चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित तो तार गर्म नहीं हो रहा है, लेकिन वही तार जब हीटर में जाता है या गीजर में जाता है या रूम हीटर में जाता है तो उसको गर्म कर देता है। क्यों गर्म कर देता है, क्योंकि वो उच्च प्रतिरोध का तार होता है, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं, तापी पदार्थ कहते हैं, जैसे टंगस्टन, निक्रोम, ये सब ऐसे चीज़ हैं जिन हाई रेजिस्टेंस हैं, और उसमें जैसे हम धारा प्रवाहित करेंगे वो ताप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग समझना, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर दो नए कॉन्सेप्ट इससे डेवलप हो गए, इन दोनों की सहायता से, जिसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता, और इंग्लिश में एक ही नाम है रेजिस्टिविटी। इंग्लिश में भी दो नाम समझ सकते हैं, रेजिस्टिविटी या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके हिसाब से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को भी साथ में सीखिए, आगे चल के IIT नीट वगैरह में आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर काम आएगा, क्लियर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, यदि हम इन दोनों संबंध को कंबाइन कर दें, इन दोनों संबंध को हम कंबाइन कर दें और एक नया संबंध बना लें, तो यहाँ पर हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये हो जाएगा। अब आगे चल के इसको हम सॉल्व कर दें तो दैट इम्प्लाइज R इक्वल टू यहाँ पर एक कांस्टेंट रो इंटू L/A का गुणा करना पड़ेगा रो का, यही रो क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू R इंटू A/L, ये इसका फार्मूला है, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब यदि हम इसकी परिभाषा करें, सपोज हम इसकी परिभाषा करें, तो परिभाषा करने के लिए L और A को इकाई ले लेते हैं, यदि यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इकाई तथा लंबाई भी इकाई हो, तो उस कंडीशन में ये जो रो है वो R के बराबर हो जाता है, जिसको हम शब्दों में क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इकाई लंबाई मतलब ऐसा तार जिसकी लंबाई इकाई हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो, मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल, कंडीशनल, मेरे पास भाई एक ऐसा तार है जिसकी लंबाई इकाई है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा उसको हम विशिष्ट विशिष्ट स्पेशल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो सीधा परिभाषा क्या हो गया, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
वाले तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, क्लियर। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो कि एक लाइन का है उसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वन अपान रो, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के इनवर्स को, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर का इनवर्स या मोह, स्पेलिंग को ही उलट दिया ओम ने और उसका यूनिट बता दिया मोह, ये इसका यूनिट होता है और ये कहलाता है विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो ये मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया, रिविज़न किया, बहुत से स्टूडेंट इसको देख चुके हैं, रिवाइज किए होंगे और उसमें शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, बहुत कमेंट्स आ रहा था कि सर साउंड प्रॉब्लम्स, मैंने भी फिर उस वीडियो को देखा तो कुछ ऐसा मेरे को लगा, इको लगा, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया, आप इसको दोबारा रिविज़न कीजिए, रिपीट कीजिए और अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कीजिए। ओके, थैंक यू।